नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल माइनू ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों ये वीडियो SBI CS के लिए है और आज इस वीडियो में आपको कुछ बारीकी से समझाऊंगा जो कि एक फॉर्म है आधार एनेबल सिस्टम APS के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। ये फॉर्म आप देख रहे होंगे जो अभी आधार कार्ड से हम पेमेंट कर नहीं पा रहे, कस्टमर का प्रॉब्लम आता है कि उनका आधार कार्ड के लिए ब्रांच से एनेबल करना पड़ता है APS ट्रांजेक्शन को, जो कि ये फॉर्म जमा करना पड़ता है। ये फॉर्म मेरा एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला है कि इसको थोड़ा भर के दिखाइए यहाँ पे क्या है, और थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो पे बने रहे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे फिलअप करना पड़ता है और ये जो है फॉर्म के साथ और क्या देना पड़ेगा। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों जो ये रिक्वेस्ट फॉर्म है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म, इसको कैसे फिलअप करते हैं। सबसे पहले ऊपर अकाउंट नंबर लिखने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, मेरा ये 11 लिख के मैं अकाउंट नंबर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो बात है जो सिस्टम पर डालने के लिए बोला जाता है, सबसे पहले CIF डालने के लिए बोला जाता है, यानी कि CBS पे जो बैंक पे ऑफिसर पहले स्क्रीन पर डालेगा वो CIF डालने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे CIF की जगह नहीं डाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप जो है जिस तरीके से मैं लिखता हूँ CIF, आप भी इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ पे CIF लिखना, CIF लिख लिया आपने, CIF ये मान लीजिए 11 अंक का CIF है, CIF दे दीजिएगा और यहाँ पे अकाउंट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम जो भी है, मान लीजिए एग्जाम्पल पर मैं लिख दिया ABCD लिख दिया, ब्रांच का नेम जो भी आपका ब्रांच है, मान लीजिए आपका ब्रांच है DEFGA लिख दिया, और डेट जिस दिन पर ये जमा करेगा उसी का डेट डाल दिया आपने 0101 मान लीजिए 1990 जो भी है, ये डेट ऑफ बर्थ, ये मैं एक अनुमानिक के डेट दिया है जिस दिन पर आप इस फॉर्म को जमा करेंगे। आज जमा करेंगे तो आज का डेट, कल जमा करेंगे तो कल का डेट। ये हो गया आपका ऊपर का फॉर्मेलिटी। एंड देन नीचे जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ए ऑप्शन ये होता है जो कि पुराने अकाउंट है, पहले आधार कार्ड से भी हो सकता है उन्होंने अकाउंट खोला, या तो वोटर आई कार्ड से, लेकिन उनका EKYC सर्टिफिकेट पहले से लिंक नहीं था, यानी कि आधार APS सिस्टम जो है वो शुरुआत से नए अकाउंट से नहीं था, बाद में KYC करके उसका आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम किया, KYC करने के बाद आधार कार्ड उसमें आया और EKYC भी जमा किया तो उसका APS चालू हो गया। तो उसके लिए जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको टिक मार्क लगाना है। एंड देन एक्ट नंबर पॉइंट पर बताया ऑनर्स ट्रांजेक्शन ओनली, तो आपको यस करना है, यानी कि सिर्फ केवल ये कस्टमर SBI CSP पे SBI पे ही APS ट्रांजेक्शन कर पाएगा, दूसरा कोई थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाकर कर नहीं पाएगा। और यहाँ पे लिमिट लिखना है, मैक्सिमम लिमिट 30,000 होता है एक दिन का विड्रॉल, तो 30,000 लिख देना है। और बाकी यहाँ पे है कि बोथ ऑनर्स एंड ऑफर्स अगर करना है, अगर दोनों पे करना है, यानी कि कस्टमर को आप ऐसा सुविधा देना चाहते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि मैं दोनों जगह पे ट्रांजेक्शन करूँगा आपका SBI CSP और दूसरे पोर्टल पर भी, तो आपको इसमें से यस हटाना है और यहाँ पे नीचे यस करना है और यहाँ पे 30,000 लिख देना है आपको SBI ऑनर्स पे, और दूसरे बैंक पर आपको 10,000 लिख देना है। ये हो गया एक्ट नंबर का आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए करना है। और अगर इंस्टेंट अकाउंट पे आपको मॉडिफाइड करना है, इंस्टेंट अकाउंट जो होता है ऑलरेडी APS उस पर एक्टिवेट रहता है, जब भी अकाउंट खोला जाता है तब EKYC सर्टिफिकेट दिया जाता है और शुरुआत से ही EKYC सर्टिफिकेट उसमें मैप्ड रहता है, आधार सिस्टम उसमें चालू रहता है, तो उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। उसको मॉडिफाइड करने के लिए आपको आ जाना पड़ेगा बी नंबर ऑप्शन पे। एक नंबर पे आपको नहीं करना है, बी नंबर पे आपको करना है जो कि इंस्टेंट अकाउंट के लिए है। इंस्टेंट अकाउंट पर आप मॉडिफाई इतना कर सकते हैं कि उसका जो ऑफर्स और ऑनर्स को आप इसको एक कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। जब शुरुआत में इंस्टेंट अकाउंट खोलता है तो इंस्टेंट अकाउंट पर दोनों ऊपर से ही लिमिट सेट होकर आता है, ऑनर्स और ऑफर्स दोनों जगह पे जाके कस्टमर उसको विड्रॉल डिपोजिट सब कुछ कर सकता है आधार कार्ड के जरिए। तो आप चाहते हैं कि कस्टमर केवल आपके पास आए तो सिर्फ बी नंबर पर आप टिक मार्क करें, और यहाँ पे APS जो ऑनर्स ओनली इस पर आपको टिक मार्क लगाना है, और यहाँ पे 30,000 आपको लिखना है, ये मॉडिफाइड यानी कि इसको एडिट करके आप मॉडिफाइड कर रहे हैं। इंस्टेंट अकाउंट पर एक नंबर वाला जो ऑप्शन है वो पहले से रहता है, आपको मॉडिफाइड करना है केवल उसको SBI CSP पर, उनको लाने के लिए आप दो नंबर पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे यस डालेंगे और एंड देन 30,000 लिमिट देख देंगे, बस इतना ही करना है। और अगर कोई चाहता है कि अपना जो APS ट्रांजेक्शन है उस फैसिलिटी को बंद करना चाहता है, जैसे कि पुराना अकाउंट CIF से काम होता है, देन उसके बाद में उन्होंने आधार कार्ड उसमें लिंक किया, APS ट्रांजेक्शन को चालू किया, तो वो चाहता है कि APS ट्रांजेक्शन को परमानेंट बंद करना चाहता है, डीसेलिंग करना चाहता है, तो उनके लिए ये सी नंबर ऑप्शन करेगा। तो जो आधार उनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शन होता है वो फैसिलिटी डीसीडिंग हो जाएगा, उनका आधार किसी भी पोर्टल पर काम नहीं करेगा, केवल CIF काम करेगा और CIF से वो पैसा विड्रॉल कर पाएगा। ये जो ऑप्शन है तीन नंबर सी वाला ऑप्शन, ये ज़्यादातर आएगा ही नहीं, कस्टमर कोई एक बंदा हो सकता है, चुनिंदा बंदा आ सकता है जो डीसीडिंग करना चाहेगा, तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी ये है और बी नंबर जरूरी है मॉडिफाइड। जितने भी इंस्टेंट अकाउंट है आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके पास ही आए तो आप ये बी नंबर ऑप्शन फिलअप करके आप ब्रांच पे भेजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर करवाना है, जो भी सिग्नेचर है कस्टमर का, ये करवाने के बाद यहाँ पे नीचे आपका CSP का स्टैम्प जो राउंड वाला स्टैम्प होता है वो आपको यहाँ पे सील मोहर लगा देना है, या तो सिग्नेचर वेरीफाइड वाला लगा देना है, और ब्रांच पे जमा करेंगे जब इसके साथ में आधार कार्ड जेरोक्स दे दीजिएगा और पैन कार्ड भी जेरोक्स दे दीजिएगा तो सही रहेगा, तो उनको जो है फुल डिटेल्स मिल जाएगा ब्रांच को।
और देन जब ब्रांच पे ऑफिसर काम करेगा तभी उस ऑफिसर इसको सिग्नेचर और सील अपना एसएस नंबर डालेगा। यहाँ पे ब्रांच के ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा और यहाँ पे कस्टमर का एंड देन इधर सीएसपी का। यहाँ पे देखिए लिखा है सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, सिग्नेचर ऑफ ब्रांच ऑफिशियल एसएस नंबर भी साथ में चाहिए। कस्टमर के हाथ में ही आप ये फॉर्म भेज सकते हैं या तो आपके ब्रांच पे अगर सीएसपी वाले ले जाने के बाद एक्सेप्टेबल करते हैं तो आप खुद लेके जाइएगा ये फॉर्म साथ में आधार कार्ड जेरोक्स पान कार्ड जेरोक्स, और याद से आप यहाँ पे सीआईएफ नंबर लिख दीजिएगा या तो यहाँ पे अकाउंट लिखने के बाद ऑब्लिक करके यहाँ पे सीआईएफ साइट में लिख के यहाँ पे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे सीआईएफ की जरूरत पड़ता है, नहीं तो क्या करता है ब्रांच में से फिर जो ऑफिसर करता है वो अकाउंट नंबर डाल के सीआईएफ निकालता है, फिर सीआईएफ लिखता है, फिर करता है। और जो स्क्रीन होता है ब्रांच पे, स्क्रीन में यहाँ पे लिख देता है वो SCRWN स्क्रीन होता है 069069, ये स्क्रीन होता है वहाँ पे डालने के बाद इसका जो ऑप्शन है वो आ जाता है ब्रांच सीबीएस पे। अगर किसी ब्रांच में पता नहीं होगा तो उनको बोल दीजिएगा 069069 ये स्क्रीन डालने के बाद उनको जो है इस काम के लिए जो है स्क्रीन खुल जाएगा। और ऑलरेडी ब्रांच पे भी सर्कुलर आ चुका है, ब्रांच के सभी स्टाफ को पता है। और ये जो काम है केवल ब्रांच के ऑफिसर लेवल जो स्केल 5 के ऊपर है वही कर पाएगा, जैसे कि कैश ऑफिसर होता है, अकाउंटेंट होता है। ब्रांच के अगर कैश ऑफिसर इसको सबमिट करके क्यू निकल के देगा तो अकाउंटेंट से पास होगा, और अगर अकाउंटेंट भी इसको क्यू निकल के देगा अकाउंटेंट के ऊपर जो भी है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या सीएम या ब्रांच मैनेजर वो भी पास कर पाएगा, या साथ में अगर चाहते हैं तो कैश ऑफिसर भी पास कर पाएगा, क्योंकि कैश ऑफिसर का जो लेवल है तो वो 5 का होता है। यानी कि अवार्ड स्टेप जो है एसडब्ल्यू वो कर नहीं पाएगा, ऑफिसर वाला लेवल का जो ऑफिसर है वही कर पाएगा। तो वीडियो में इतना ही था, आपको ये दिखाना था किस तरह से आपको फिलअप करना है और साथ में क्या डॉक्यूमेंट देना है, और आपको जो है ब्रांच पे जमा करने के बाद ये मॉडिफाइड भी होता है और इसमें नया रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करना और सभी के साथ शेयर करना, सभी ग्रुप पर शेयर करना ताकि सभी को ये बात पता लगे। आज की वीडियो में इतना ही था, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एसबीएस सीएसपी वीडियो इस चैनल पर बनते रहता है, तो आपसे गुजारिश आप चैनल से जुड़े चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, वीडियो में बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।